हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट फर्स्ट के दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं आज हम कौन से दो टॉपिक कवर करेंगे और उनमें हम क्या पढ़ाएंगे। सो हम जो टॉपिक आज कवर करेंगे वो टॉपिक नंबर फर्स्ट है, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। तो बॉडी सिस्टम के और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे स्ट्रक्चर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन कौन से लेवल्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक जो है आज के लेक्चर का वो है बेसिक लाइफ प्रोसेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी जो लाइफ है उसके बेसिक प्रोसेस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। तो हमारा जो स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी का या बॉडी सिस्टम का, वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे कि अल्फाबेट्स होते हैं, यानी कि जो लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ, इनसे मिलकर वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्द से मिलकर सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से मिलकर फिर पैराग्राफ बनता है। तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट है केमिकल लेवल, नंबर सेकंड है सेलुलर लेवल, नंबर थर्ड है टिश्यू, नंबर 4 है ऑर्गन, नंबर 5 है सिस्टम लेवल, नंबर 6 जो है वो है ऑर्गेनिज्मल लेवल। ये हमारे 6 टाइप ऑफ लेवल हैं, या फिर हमारे जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को 6 टाइप ऑफ लेवल में हमने डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट केमिकल लेवल में क्या आएगा, दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल, कैन बी कंपेयर्ड टू द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट एंड इंक्लूड्स एटम्स एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड मॉलिक्यूल्स टू और मोर एटम जॉइंट टूगेदर। तो ये जो है केमिकल लेवल सबसे बेसिक लेवल है, इसको हम कंपेरिजन कर सकते हैं फ्रॉम द अल्फाबेट्स, जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो बेसिक लेवल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो नंबर इसमें क्या है, दिस इज वेरी बेसिक लेवल, कैन बी कंपेयर टू द लेटर, जो कि लेटर से कंपेयर किया जा सकता है, ऑफ द अल्फाबेट, जो इंक्लूड करते हैं एटम्स, एटम्स इंक्लूड करते हैं, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की जो पार्टिसिपेट करती है हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं बेसिकली उनमें। और जो मॉलिक्यूल्स हैं, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं, जो ज्वाइन, मतलब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलके ज्वाइन टुगेदर एटम बनाते हैं। अब उन एटम्स का नाम क्या है, सर्टेन एटम्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, ये जो है असेंशियल है मेंटेन करने के लिए लाइफ। तो केमिकल में बेसिकली वो सभी जो केमिकल्स हैं वो आएंगे, यानी कि जो सभी स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वो इसमें आएंगी। अब आगे है, टू फैमिलियर मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द बॉडी आर डीएनए एंड सेकंड वन है ग्लूकोज। तो आगे इन्होंने दो दो बहुत ही फैमिलियर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दिया, नंबर फर्स्ट है डीएनए, नंबर सेकंड है ग्लूकोज। तो डीएनए मेंट फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मेटीरियल को पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी कि फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड। और सेकंड है ग्लूकोज, जो बेसिकली जाना जाता है ब्लड शुगर के नाम से। तो ये केमिकल लेवल कहलाता है और इसके एग्जांपल हैं, और जो हमारा जो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं ये बेसिकली वही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और वही इन्वॉल्व होते हैं। अब सेकंड की अगर हम बात करें, सेलुलर लेवल, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल्स, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सेलुलर लेवल क्या है, सेलुलर का यहाँ पे मतलब सेल से है, कोशिकाएं, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका, मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल्स, मॉलिक्यूल्स जो हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं केमिकल लेवल में, वो कंबाइन करते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, क्या करने के लिए, टू फॉर्म सेल, सेल बनाने के लिए, सेल्स बनाने के लिए। सेल क्या होती है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी आप कह सकते हो ह्यूमन बीइंग की, या जो लिविंग थिंग्स है उसकी सबसे
छोटी स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शनल वाइज सबसे छोटी यूनिट होती है। नेक्स्ट लाइन क्या है, जस्ट एज वर्ड्स आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट मेक सेंस, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन द बॉडी। इसको कंपेयर जो किया है इन्होंने, कंपेयर किया है वर्ड के साथ, ये है अल्फाबेट्स और इसको कंपेयर किया है वर्ड के, यानी अल्फाबेट ए बी सी डी को मिलकर कोई अल्फा वर्ड बना रहे हैं, सॉरी कोई अल्फाबेट मिलकर वर्ड बना रहे हैं। तो जस्ट एज वर्ड्स आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि शब्द जो हैं सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है किसी भी भाषा का, जो भाषा बाद में अगर हम उसको पढ़ते हैं उसका कुछ सेंस निकलता है, ऐसे ही सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन द बॉडी, ऐसे ही सेल्स जो हैं सबसे छोटी लिविंग यूनिट हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है, अमंग द मैनी काइंड्स ऑफ द सेल्स इन अवर बॉडी या योर बॉडी आर मसल सेल्स, नर्व सेल्स। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि मसल सेल्स हैं और नर्व सेल्स हैं। तो ये केमिकल लेबल और सेलुलर लेबल का डेफिनेशन और उनका जो एग्जाम्पल्स हैं ये कवर हो गए हैं। और नंबर थर्ड की हम बात करेंगे, टिश्यू लेबल। टिश्यू लेबल, तो सेल्स इकट्ठा होकर फॉर्म करती हैं टिश्यू, यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो इकट्ठा होकर ग्रुप बनाकर, वो ऊतक का नाम उनको दिया जाता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो इसमें आगे है, टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स एंड द मटेरियल सराउंडिंग देम दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, सिमिलर टू द वे वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंसेस। टिश्यू जो है आर द ग्रुप्स ऑफ सेल्स, टिश्यू सेल्स के ग्रुप हैं जैसे मैंने आपको बताया, एंड द मटेरियल सराउंडिंग देम दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। और क्या है, टिश्यू सेल्स के तो ग्रुप हैं ही, और जो मेटीरियल है उनके आसपास जो कि एक साथ होके परफॉर्म करता है कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन है बॉडी का वो परफॉर्म करता है, जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने फिर से दिया है, जैसे कि जो शब्द हैं जो वर्ड्स हैं उनको अगर एक साथ रखें तो वो एक सेंटेंस की फॉर्म में आते हैं। इसी प्रकार अगर हम टिश्यूज को कंपेयर करेंगे तो वो एक सेंटेंस की फॉर्म में या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। अब वैसे ये डिटेल में टिश्यू को आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने ये फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू जो बेसिक टाइप्स हैं हमारे बॉडी में टिश्यूज के, वो मैंने यहाँ पे नाम सिर्फ मेंशन किए हैं। नंबर एक है एपिथेलियल टिश्यू, नंबर सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, नंबर थर्ड है मस्क्यूलर टिश्यू, नंबर फोर है नर्वस टिश्यू। ये फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं जो अवेलेबल हैं हमारी बॉडी में, बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। नंबर फोर है ऑर्गन लेबल। ऑर्गन लेबल ये एक चेन टाइप का है, यानी कि सबसे पहले केमिकल है, फिर सेलुलर है, फिर टिश्यू है, नंबर फोर है ऑर्गन लेबल। इसमें क्या है, एट दिस लेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर जॉइंट टुगेदर। इस लेबल पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो एक साथ जॉइन होते हैं, जॉइंट टुगेदर, सिमिलर टू द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। किसके सिमिलर, जैसे कि जो रिलेशनशिप सेंटेंस और पैराग्राफ में होता है, एन नंबर ऑफ सेंटेंसेस जब ज्वाइन होते हैं एक साथ तो वो एक पैराग्राफ की शेप में आते हैं, पैराग्राफ फॉर्म करते हैं, तो वही रिलेशनशिप है। ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन्स क्या होते हैं, यहाँ पे ऑर्गन का जिक्र हुआ है, ऑर्गन लेबल में हम पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बने हुए होते हैं दो या दो से अधिक तरह के टिश्यूज के, यानी कि किसी भी ऑर्गन में दो या दो से अधिक तरह के टिश्यू हो सकते हैं। मान के चले किसी एक ऑर्गन की जो आउटर लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई हो सकती है या मस्कुलर टिश्यू से बनी हो सकती है, एपिथेलियल, और इनर लेयर है वो भी किसी दूसरे टिश्यू से बनी हुई हो सकती है। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, दे हैव स्पेसिफिक फंक्शंस एंड यूजुअली हैव रिकॉग्नाइजेबल शेप्स। और उनके क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं और रिकॉग्नाइज करने वाली, पहचाने जाने वाली उनकी पर्टिकुलर शेप होती है। एग्जाम्पल है स्टोमक है, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, ब्रेन। जैसे कि एग्जाम्पल स्टोमक, हार्ट, लीवर, लंग्स, ब्रेन, तो ये दो या दो से अधिक टाइप के टिश्यूज से बने हुए हो सकते हैं और उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये चार लेबल जो है मैंने यहाँ इस स्लाइड में कवर कर दिए हैं, दैट आर केमिकल, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन लेबल। नेक्स्ट वाले में रिमेनिंग टू लेबल हम कवर करेंगे और जो हमारा सेकंड टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, वो हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नंबर फाइव सिस्टम लेबल में क्या है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स विद ए कॉमन फंक्शन।
तो ए सिस्टम जो कंटेन करता है रिलेटेड ऑर्गन्स और जो परफॉर्म करते हैं ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन। एग्जाम्पल इसका है डाइजेस्टिव सिस्टम। एन एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम लेबल ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम लेबल इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक एग्जाम्पल है विच ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब फूड। जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड का और फूड एब्जॉर्ब करता है। इट्स ऑर्गन इंक्लूड, दो डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल दिया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं और वो मिलकर कौन सा कॉमन फंक्शन, वो हमने बता दिया है कि वो ब्रेक डाउन करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, माउथ है जो हमारे सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, वो ग्लैंड्स हैं, थ्रोट है, ईसोफेगस है, स्टोमक, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियाज है। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सारे ऑर्गन मिलकर एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को या इस पूरे लेवल को हम सिस्टम लेवल बोलेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक ऑर्गन अगर किसी सिस्टम में इन्वॉल्व है तो वो दूसरे सिस्टम में वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियाज जो है यहाँ पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी ये हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। नंबर लास्ट लेवल की हम बात करें तो ये क्या होता है, जब सारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स मिलकर एक फंक्शन करते हैं एक साथ, तो उस लेवल को हम ऑर्गेनिज्मल लेवल बोलते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने लेवल हैं और वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर सेकंड की, जो है बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो बेसिक लाइफ की क्या क्या प्रोसेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देयर आर सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में बेसिकली छह तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ प्रोसेस हैं जिनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इन द फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में। नंबर सेकंड है रेस्पॉन्सिवनेस। नंबर थर्ड है मूवमेंट। चार है ग्रोथ। नंबर फाइव है डिफ्रेंशिएशन। नंबर लास्ट है रिप्रोडक्शन। तो ये हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी की। अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे या इनकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, दिस इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इन द बॉडी। ये क्या है, टोटल है उन सभी केमिकल प्रोसेस का जो बॉडी में होती हैं, ये सम है उन सब का। इसके दो पार्ट्स हैं ए एंड बी, कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या है, इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स जो केमिकल्स हैं उनका किसमें, सिंपल कंपोनेंट्स में। सेकेंड है एनाबॉलिज्म, इज द बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम स्मॉलर सिंपलर कॉम्पोनेंट्स। तो ये अपोजिट होता है, इसमें ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म। इसमें क्या होता है, बिल्डिंग अप होते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस, बिल्ड अप होते हैं किससे, फ्रॉम स्मॉलर सिंपल कॉम्पोनेंट से वो बिल्ड अप होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल एक हमने दिया है, डाइजेस्टिव प्रोसेस कैटाबोलाइज प्रोटीन्स इन फूड इनटू अमीनो एसिड। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस में क्या होता है, जो हमने फूड लिया है, जो हमने खाना खाया है, उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या करता है, कैटाबोलाइज करता है किसमें, अमीनो एसिड में, यानी प्रोटीन्स को, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उनको ये ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड एक सिंपल फॉर्म में कैटाबोलाइज करता है। दीज अमीनो एसिड्स आर देन यूज टू एनाबोलाइज या बिल्ट न्यू प्रोटीन्स दैट मेक अप बॉडी स्ट्रक्चर सच एज मसल्स एंड बोन्स। अब यही अमीनो एसिड जो एक सिंपल फॉर्म में हमको मिले हैं फ्रॉम द प्रोटीन विच वी गेट फ्रॉम आवर फूड, तो क्या होगा, यही अमीनो एसिड तब क्या होंगे, एनाबलाइज होंगे, एनाबलाइज होंगे और क्या करेंगे, नए प्रोटीन बनाएंगे सो दैट के हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे मसल है, बोन्स है, वो बिल्डअप हो पाए। तो ये मेटाबॉलिज्म और इसकी दोनों प्रोसेसेस के दोनों पार्ट, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में ये चीजें हैं। सेकंड है रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, इज द बॉडीज एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस। ये क्या होती है, बॉडी की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है किसके रिगार्डिंग, डिटेक्ट करने को और रेस्पॉन्ड करने को चेंजेस, यानी कि डिटेक्ट करना मतलब एक तरह से जान लेना,
और उसके अनुसार रेस्पॉन्स करना। तो रेस्पॉन्सिवनेस क्या कहलाती है, बॉडी द्वारा कोई भी चीज़ को, इवन कोई डेंजर है और उसको जान लेना और उसके अनुसार बॉडी का रिएक्ट करना क्या कहलाता है, रेस्पॉन्सिवनेस कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अ डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर रिप्रेजेंट ए चेंज इन इंटरनल एनवायरमेंट विद इन द बॉडी। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या शो करेगा, चेंजेस शो कर रहा है वो हमारे किस में, इंटरनल बॉडी में, विद इन द बॉडी। एंड टर्निंग योर हेड टुवार्ड्स एनी साउंड इज रेस्पॉन्स टू द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट का हम एग्जाम्पल लें तो अगर हम कहीं बैठे हैं तो और कोई साउंड हमको सुनाई देता है तो हमारी नेक जो है उस साउंड की तरफ रेस्पॉन्ड करती है, तो वो हमारा एक्सटर्नल बॉडी का रेस्पॉन्स है। हमने साउंड को डिटेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी ने मूव किया। तो वो चीज़ें जो कहलाई हैं रेस्पॉन्सिवनेस कहलाती हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है नर्व सेल्स और जो मसल्स हैं, वो एक नर्व सेल्स जो हैं एक सिग्नल देती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कोई गर्म चीज़ को या गर्म लोहे की रॉड को छू लेते हैं तो जो सिग्नल पहुंचता है नर्व सेल द्वारा हमारे माइंड में कि हमको रेस्पॉन्स करना है, कि हमको वहाँ से हाथ हटा लेना है, तो वो हमारा इंटरनल बॉडी का सिग्नल है और हमारा वो इंटरनल बॉडी हम कह सकते हैं इंटरनल बॉडी रेस्पॉन्स है। सेकेंडरी, मसल्स का रेस्पॉन्स क्या है कि मसल्स हमारे बॉडी को मूव कराने का काम करती हैं, तो वो एक्सटर्नल बॉडी रेस्पॉन्स है। तो रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, डिटेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग बॉडी मूव करती है, वो कहलाता है रेस्पॉन्सिवनेस। अब रिमेनिंग जो है मूवमेंट, ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन और रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ रिमेनिंग प्रोसेसेस ऑफ बेसिक लाइफ। तो थर्ड वन जो है वो है मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, दिस इंक्लूड्स मोशन ऑफ द कंप्लीट बॉडी कॉमा इंडिविजुअल ऑर्गन सिंगल सेल्स एंड इवन टिनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल्स। तो मूवमेंट में क्या होता है, ये मूवमेंट इंक्लूड करता है मोशन, कंप्लीट बॉडी का मोशन। अगर हमारी बॉडी कहीं मूव कर रही है तो वो कंप्लीट बॉडी का मोशन एंड इंडिविजुअल ऑर्गन या फिर किसी सिंगल सेल का मूव करना और इवन जो टिनी स्ट्रक्चर्स हैं इनसाइड द सेल उनका मूव करना भी इस मूवमेंट के अंदर आता है, ये इस प्रोसेस के अंदर आता है। एग्जाम्पल है द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ लेग मसल्स मूव योर कंप्लीट या होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन यू वॉक और रन। तो कोऑर्डिनेशन एक्शन जो है हमारी मसल्स का, हमारी लेग्स की मसल्स का, वो हमारी कंप्लीट बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाती हैं जब हम या तो चलते हैं या हम दौड़ते हैं। तो ये इसका एक एग्जांपल है। नंबर चार है ग्रोथ। ग्रोथ की क्या डेफिनेशन है, इट इज एन इंक्रीज इन द बॉडी साइज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और बोथ। तो क्या है इंक्रीज, इसमें क्या है ग्रोथ में बेसिकली, कि जब इंक्रीज होता है बॉडी साइज, और बॉडी साइज कब इंक्रीज होता है, जब हमारी जो सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनका साइज इंक्रीज होता है या फिर उनका नंबर इंक्रीज होता है या फिर दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं, तो तब हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। और ये ग्रोथ जो है ये भी हमारा बेसिक प्रोसेस है लाइफ का। नंबर फाइव है डिफ्रेंशिएशन। इसमें क्या है, इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ ए सेल फ्रॉम एन अनस्पेशलाइज टू ए स्पेशलाइज स्टेट। ये क्या है, डेवलपमेंट है किसी भी सेल का कहाँ से कहाँ तक, अनस्पेशलाइज टू स्पेशलाइज स्टेट। इसका एग्जाम्पल है RBCs, रेड ब्लड सेल्स एंड सेवरल टाइप ऑफ WBCs, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और डिफरेंट टाइप की जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ऑल अराइज फ्रॉम सेम अनस्पेशलाइज प्रिकर्सर सेल्स इन रेड बोन मैरो। तो वो जो सारी हैं वो अनस्पेशलाइज्ड प्रिकर्सर सेल से एक स्पेशलाइज्ड चीज में कन्वर्ट होती हैं, वो है रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होती हैं। ये डिफरेंशिएशन फ्रॉम द अनस्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड स्टेट। नेक्स्ट जो है और लास्ट बेसिक लाइफ प्रोसेस जो है वो है रिप्रोडक्शन। इट रेफर्स आइदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फॉर टिश्यू ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट और द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। तो रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, ये कंटेन करता है, रेफर करता है या तो फॉर्मेशन हो नए सेल्स की, किसके लिए, टिश्यू ग्रोथ के लिए, या फिर उनका रिपेयर हो
या रिप्लेसमेंट हो या फिर प्रोडक्शन हो एक ह्यूमन बीइंग से किसी या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से किसी एक नए इंडिविजुअल का, तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। सो ये सारी सिक्स बेसिक लाइफ प्रोसेस थी जो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल होते हैं और उनका क्या मायने हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।